साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है, इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है, कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपकी। आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सामने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिए, हाँ, इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए, देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये हैं, तमिलनाडु में ये हैं, ओडिशा में ये हैं, बंगाल में ये हैं, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना रोना धोना करने वालों का काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देख लेते। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है, और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है,
राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं।